दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार शर्मा हर सवाल का जवाब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा मंत्र प्रदान करने जा रहे हैं जिसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है, जो मंत्र अपने आप में सर्वशक्तिमान है और वशीकरण की दुनिया में इस मंत्र का प्रयोग बड़े ही सम्मान के साथ किया जाता है। दोस्तों आपने इस मंत्र को सुना जरूर होगा, परंतु इस मंत्र की विशेषताएं क्या हैं, इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना चाहिए और इस मंत्र के अंतर्गत कितनी शक्ति समाहित है, यह आपको मालूम नहीं है। यह संपूर्ण जानकारी आज हम आपको विस्तार से प्रदान करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक भी करें, जिससे भविष्य में जो भी वीडियोस अपलोड किए जाएं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। दोस्तों आज हम जो मंत्र आपको प्रदान करने जा रहे हैं वो चामुंडा देवी का मंत्र है और चामुंडा देवी 51 शक्तिपीठ में से ही मानी जाती है। दोस्तों चामुंडा देवी के इस मंत्र को नवार्ण मंत्र भी कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि नवार्ण का अर्थ क्या होता है, जिसमें 9 वर्ण होते हैं, वर्ण अर्थात अक्षर। इस मंत्र में 9 अक्षर हैं, इसलिए इसको नवार्ण मंत्र भी कहा जाता है। दोस्तों चामुंडा देवी का यह परम शक्तिशाली मंत्र है। अब मैं आपको यह बता दूं कि इसका प्रयोग वशीकरण की दुनिया में कैसे होने लगा। दोस्तों दुर्गा सप्तशती की कथा के अनुसार चंडमुंड नामक 2 राक्षस थे, तो उन दोनों राक्षसों का वध करने के लिए देवी ने काली का रूप धारण किया और दोनों ही राक्षसों को, जो चंडमुंड नामक दैत्य थे, उनको वशीभूत कर दिया, अपने वश में कर लिया। और अपने वश में करने के बाद, उनका वशीकरण करने के बाद, उन दोनों की गर्दन धड़ से अलग कर दी और उनका वध कर दिया। दोस्तों तभी से देवी का पूजन चामुंडा देवी के रूप में होने लगा और इस परम शक्तिशाली मंत्र का प्रयोग लोगों का वशीकरण करने के लिए सम्मान के साथ होने लगा। दोस्तों जो यह नवार्ण मंत्र है, इसमें 9 अक्षर हैं। इसके 9 अक्षरों का सीधा संबंध 9 ग्रहों से है और जो नवदुर्गा में मां जगदम्बा के 9 रूप हैं, जो मां भवानी के 9 रूप हैं, उन 9 रूपों से सीधा संबंध है। दोस्तों इस मंत्र की शक्ति अभी पूरी नहीं हुई। इस नवार्ण मंत्र के 3 देवता हैं और वह प्रमुख देवता जिन्हें आप त्रिदेव के नाम से जानते हैं, वह त्रिदेव हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन तीनों देवों की भी शक्ति इस मंत्र में समाहित है। दोस्तों इस मंत्र की 3 देवियां भी हैं और दोस्तों वह 3 देवियां इस प्रकार हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। दोस्तों जिस मंत्र में 9 ग्रहों की शक्तियां समाहित हैं, देवी दुर्गा के 9 रूपों की शक्तियां समाहित हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों की शक्तियां समाहित हैं, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती जैसी देवियों की शक्ति समाहित है।
उस मंत्र से केवल वशीकरण ही नहीं बल्कि संसार की कोई भी शक्ति, संसार का कोई भी यश, वैभव, सुख समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, अब इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है और वह विधि क्या है? दोस्तों, कुछ लोग यह भी पूछते हैं कि इस मंत्र को सिद्ध कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस मंत्र को शीघ्र सिद्ध करना चाहते हैं तो आप नौ दुर्गा के नौ दिनों में इसका जाप कीजिए। जितना अधिक से अधिक आप जाप करेंगे उतना शीघ्र यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। दीपावली के दिन कीजिए, ग्रहण के समय में कीजिए, होली के समय में कीजिए। दोस्तों, अगर आप इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो इस संसार में ऐसी कोई भी चीज नहीं, ऐसा कोई भी सुख नहीं जो आप प्राप्त न कर सकें। दोस्तों, अब बात आती है वशीकरण की। आप इस मंत्र को सिद्ध कर लीजिए। जिस दिन आपको किसी का वशीकरण करना है उस दिन आपको इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना है और उसके बाद आप अपने मन में उस व्यक्ति विशेष को, चाहे वह महिला हो या पुरुष, लड़का हो या लड़की, गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड, शादीशुदा हो या अविवाहित, आप किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं। तो उस व्यक्ति को आप अपने मन में ध्यान करिए, उसका चेहरा अपने मन में लेकर आइए और उसके बाद अपनी आंखें बंद कर लीजिए, 11 बार इस मंत्र को बोलना है और उसके बाद 11 बार आपको उसका नाम लेना है जिसका वशीकरण करना है। दोस्तों, पलक झपकते ही वह व्यक्ति आपके सामने होगा। अब आप एक बात और समझ लीजिए कि पलक झपकने का मतलब यह नहीं होता कि एक सेकंड में ही वह व्यक्ति जादू से आपके सामने प्रकट हो जाएगा। पलक झपकने का मतलब यह है कि आप जैसे ही जाप पूरा करते हैं सामने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क में हलचल होने लगेगी और वह व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आतुर हो जाएगा। आपसे मिलने के लिए जहां भी होगा वहां से निकल पड़ेगा। दोस्तों, यह इतना परम शक्तिशाली मंत्र है कि आप इस मंत्र के जाप से अपने आप को संसार में पूजनीय बना सकते हैं। आप अपने आप को सर्वशक्तिमान बना सकते हैं। आप अपने आप को धनवान बना सकते हैं, करोड़पति अरबपति बन सकते हैं। यदि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि इस मंत्र से शक्तिवान कोई मंत्र नहीं और आपसे ज्यादा कोई भाग्यशाली नहीं। तो दोस्तों, इस मंत्र का प्रयोग करें, श्रद्धा से इसका जाप करें, इस मंत्र को सिद्ध करें। दोस्तों, मैं आपको यह मंत्र बता दूं। दोस्तों, यह मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा सा यह भी बता दूं कि जिस वक्त आप इस मंत्र का जाप करेंगे वह विधि क्या होगी। दोस्तों, उत्तर की तरफ आपको मुख करना है और उत्तर की तरफ मुख करके आप इस मंत्र का जाप करेंगे। एक लकड़ी की चौकी ले लेंगे जिस पर लाल कपड़ा बिछाकर बैठेंगे। दोस्तों, जिस वक्त
आप जाप कर रहे हो, उस समय उस चौकी पर जो लाल कपड़ा बिछा है उस पर चामुंडा देवी का एक फोटो रख लें, या देवी दुर्गा का, जो भी संभव हो सके उसको रख लें और उसके सामने बैठ जाएं। और दोस्तों ध्यान रहे, देवी की आंखों में आंखें डालकर आपको जाप करना है। जब आप देवी की आंखों में आंखें डालकर जाप करेंगे तो आपके वशीकरण करने की जो शक्ति है, जो क्षमता है, वह सैकड़ों हजारों बल्कि अनंत गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों अगर इस मंत्र की व्याख्या करने में लग गए तो न दिन का पता चलेगा न रात का, हो सकता है महीनों गुजर जाए परंतु इस मंत्र की पूर्ण व्याख्या कर पाना संभव नहीं। इसलिए दोस्तों आप इस मंत्र का स्वयं जाप करिए और इसकी शक्ति को महसूस करिए। और दोस्तों अगर आपको कोई विशेष समस्या है तो स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर व्हाट्सएप मैसेज करें और अपॉइंटमेंट लेकर सीधे मुझसे बात करें। लेकिन याद रहे, बिना अपॉइंटमेंट के कॉल ना करें। जय श्री राम।